हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और कैसे QR कोड स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, सिंपली ऑप्शंस आ गया है। सिंपली कनेक्शंस पे जाना है। कनेक्शंस पे जाकर आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस आ गया तो आपको सिंपली इस पे जाना है, वाईफाई पे जाते हैं और इसका जो QR कोड है आप इस तरीके से कुछ ओपन कर सकते हैं और ओपन करके QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली QR कोड स्कैन करना और वाईफाई नेटवर्क आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आप वायरलेस इंटरनेट आप चला सकते हैं और जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और साथ में इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और आप देख सकते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने को, जैसे आप स्कैनर सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्कैनर सेटिंग्स के जरिए भी QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बिना पासवर्ड के वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में और वायरलेस इंटरनेट आप चला सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।